हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश वाधवानी। आप देख रहे हैं तो फाइनल पर आ चुका है LG का G6। आप देख सकते हैं LG G6 आपकी डिमांड पर मैंने मंगवाया है और मेरा चौथा फ्लैगशिप फ़ोन की वीडियो बना रहा हूं दोस्तों मैं, वो डुअल कैमरे के साथ, मेरा पहला एक्सपीरियंस डुअल कैमरे के साथ है। जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं दोस्तों, फ़ोन आपको किस तरीके का मिलता है और वो क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों फोन को रखा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो ये फोन LG G6 की ब्रांडेड डी हुई है पीछे दोस्तों, पीछे आपको LG G6 दिया हुआ है, ब्रांडेड दिया हुआ है और कॉलकॉम का आपको दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर दिया हुआ है इसके अंदर आपको, और थोड़ा आपको ये कुछ गाइड्स लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों फोन को अनबॉक्स करके देख लेते हैं फ़ोन किस तरह मिलता है। तो इसका रैप को डालता हूँ दोस्तों मैं, दोस्तों रैप को डालता हूँ नीचे मैं। ओके दोस्तों, ये मैंने रैप हटा ली, देखते ही आपको मिलता है LG, यह लिखा है LG U+, जो आपको लोगो है जो मिट चुका थोड़ा सा। दोस्तों फोन को अनबॉक्स करके देख लेते हैं, ये फ़ोन खुल गया दोस्तों। ये रहा आपका LG G6 दोस्तों, मैंने पहली बार LG G6 देखा है, मैंने सैमसंग के लिए ऐसे बोला दिखाई LG G6 पहली बार देखा है। तो इसलिए फ़ोन को दोस्तों पहले निकाल लेते हैं अपन बाहर। ओके दोस्तों, ये रहा दोस्तों फ़ोन, ब्लैक कलर एडिशन में फ़ोन है, देख सकते हैं आप, लाइट वेट है दोस्तों। दोस्तों ये 5.7 इंच की स्क्रीन से आपको मिलता है, लाइट वेट है। अगर आप ऐसे प्लस देखा है, ऐसे प्लस थोड़ा हैवी है दोस्तों। तो कंपेरिजन दोस्तों करके देखते हैं अपन iPhone 7 Plus के साथ में। तो iPhone 7 Plus में पास ये रखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं उठाता हूँ। तो सही रहा iPhone 7 Plus में पास, आप देखते कंपेरिजन देख सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर iPhone 7 Plus भी थोड़ा सा हैवी दिख रही है, अगर यूज़ करके तो हैवी, वो भी हैवी और लग रहा है दोस्तों। फोन तो ये नॉर्मल है, आपको हाथ में यूज़ करने में कंफर्टेबल आएगा, उसको रखते हैं साइड में उसको। तो उसका जो गाइड देखते हैं, तो कुछ साइड गाइड मिलती है आपको, एक गाइड मिल जाती है आपको, उसमें आप देख सकते हैं फ़ोन कैसे चलाना है आपको। बाकी आपको ये मिलता है कि USB Type-C मिलती है, पोर्ट मिलता है आपको, एक फास्ट चार्जर मिल जाता है दोस्तों, ये फास्ट चार्जर है उसके दोस्तों। ये फास्ट चार्जर के अंदर आपको मिलता है एक कनेक्टर मिलता है दोस्तों, आपको एक वाइट कलर कनेक्टर दिया है दोस्तों। ये समझ आता है ब्लैक कलर फ़ोन व्हाइट कलर की एक्सेसरीज क्यों देते हैं। अब से ये रहा है ईयरफोन दोस्तों, देखिए ये फोन ब्लैक कलर की है दोस्तों। ये फोन बल खोल देते हैं कैसे क्वालिटी के, तो दोस्तों ये है वो ईयरफोन ब्लैक कलर के लिए, क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। बाद में यूज़ करके बताऊँगा आपको कैसी क्वालिटी है। बाकी उसकी सैमसंग गैलेक्सी एस प्लस की तो बाकी काफ़ी ले, तो बहुत अच्छी वो ईयरफोन से उसके। तो दोस्तों ये फोन बॉक्स तो मैं पूरा साइड में रखता हूँ, अपन चलते हैं मेन फ़ोन के, जब मेरे को मेन फ़ोन देखना है दोस्तों, साइड में रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा फ़ोन दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। तो ये रहा फ़ोन, और जल्दी उसके पीछे रैप हटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने रैप हटा लिया, देखिए क्लासिक ब्लैक कलर लुक दिख रहा है आपको फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों डुअल कैमरे का पहला एक्सपीरियंस मेरा दिख रहा है आपको। और दोस्तों यहाँ पर एक शायद एक लोगो लगा हुआ, देखते हैं काय का लोगो है। बाकी दोस्तों क्लासिक फ़ोन दिख रहा है ब्लैक कलर, शायद में आपको ऐसे प्लस के अंदर सेम ये मिलता है। बाकी दोस्तों ये शाइनिंग ब्यूटी कोने में भी आपको थोड़ा एजेस अच्छे मिल जाते हैं देखने में, थोड़ा एजेस हैं कोने में देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए ये लोगो क्या है दोस्तों, दोस्तों ये हाई फाई म्यूज़िक का लोगो है। तो दोस्तों आपको म्यूज़िक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने को मिल जाता है हाई फाई का। बाकी दोस्तों ये फिंगरप्रिंट स्कैनर छोटा सा दिया हुआ है, बाकी डुअल कैमरा आपको दिए हुए देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जल्दी से उसकी ऊपर आपको 3.5 का ऑडियो जैक मिल जाता है दोस्तों, माइक सेकंड माइक के साथ। और नीचे आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, वो स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको। और साइड में आपको मिलता है पावर बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिम टू मिल जाता है, वो लॉक बटन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सिंपल फ़ोन है वैसे ही LG G6 उसके S8 Plus की तरह ही है। खोल लो फोन को, तो लिखा हुआ है LG G6 लाइफ स्पोर्ट इनका जो टाइटल है, बाकी पावर बाय एंड्रॉइड। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है LG G6, बाकी आप उसको कंपेरिजन करें तो उससे ज़्यादा अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ तो वो अच्छा है, S8 Plus ज़्यादा अच्छा है यूज़ के आपसे। LG U+ लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। ओके तो इस फ़ोन को बोटा फोन देते हैं, बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में, LG S8 Plus के बारे में बात में करते हैं। तो ऐसे ही फ़ोन ओपन हो रहा है तो दोस्तों ये, अरे यार दोस्तों ये कोरिया भाषा लिखी हुई है मेरे ख्याल से, कोरियन चाइना भाषा लिखी सब एक चीज़ होती हैं। तो ऑब्वियसली उसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट पर रख देता हूँ दोस्तों मैं, बाकी इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, सुन लीजिए स्किप करके आगे बढ़ाते जाते हैं, स्टेप पूरी फुली करते हैं। और दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा के, इसको जल्दी से स्किप कर लेता हूँ, जल्दी से हट लेता हूँ। ओके पैटर्न तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा के देखते हैं अपन। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी इसमें लग रहा है, उस पर एस एड प्लस में तो बहुत कोने में दिए, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता ही नहीं वैसे, तो मैं आज तक यूज़ नहीं किया फिंगरप्रिंट स्कैनर उसके अंदर। तो दोस्तों ये फ़ोन ऑल डन, तो दोस्तों बैटरी थोड़ी है इसमें, आई होप भी काम हो जाएगा अपना। बाकी थोड़ा से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो दोस्तों, काफ़ी फ़ोन अच्छा है देखने में, आप देख सकते हैं। तो साइट स्लो भी चल रहा है फ़ोन, तो नया फ़ोन दोस्तों, बाकी सेटिंग्स आपको ऊपर देखिए तो अच्छे फ़ोन है। बाकी S8 Plus आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा, आपको कर्व देखने को फ़ोन मिल जाता है उसके अंदर,
स्क्रीन साइज भी बड़ी मिल जाती है आपको देखने के अंदर। तो सब स्क्रीन की देखिए स्क्रीन कैसी है, काफ़ी अच्छा फोन है। आपकी डिमांड पर मैंने फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी, तो जिनसे आप सेटिंग दे सकते हैं फिर आपको सेटिंग मिल जाती है, वही आपको एस प्लस में सेटिंग देखने को मिल जाती है, पूरी ब्लूटूथ वाईफाई गाइड्स का सब कुछ आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो सेटिंग में दोस्तों आपको दिखा देते हैं कौन सा आपको वर्जन मिलता है इसके अंदर। आपको दोस्तों एंड्रॉइड का नोवल वर्जन मिलता है, तो हमने फिर सॉफ्टवेयर अपडेट ये रहा दोस्तों नोवल आप दे सकते हैं, तो आपको नोवल मिल जाता है। यहाँ पर जल्दी दोस्तों स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज कितने को मिलती है तो 64 GB वाला फ़ोन है, 4 GB रैम है, कितनी कितनी स्टोरेज आपको मिलती है, स्टोरेज तो आपको 12 GB स्टोरेज भरी हुई मिलती है, 12.20 GB स्टोरेज भरी हुई मिलती है आपको 64 GB में से, और 4 GB रैम है, रैम 3 GB आपको खाली खाली मिलती है 3 GB। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है इतनी तो मिल रही है, वैसे बाकी फ़ोनों में तो ज़्यादा भरी हुई मिलती है। तो ये बैक करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है देखने में, लाइट वेटिंग जरा तो ज़्यादा सही है। बाकी दोस्तों मेरी रिकमेंड क्या था, तो आप ऑब्वियसली ऐसे प्लस ही लीजिए, बाद में लेकर सैमसंग का भरोसा जा रहा है, LG का भरोसा बाद में। अभी दोस्तों कैमरे की बात करते हैं, कैमरा आपको दिखा देता हूँ मैं, कैमरा ये दोस्तों कैमरा, तो दोस्तों ये कैमरा इसको लेते हैं। दोस्तों मेरा ये कैमरे का लेंस है, इसकी फ़ोटो खींचे ले लेते हैं, लेंस का आगे कवर होता है उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, तो ये कवर उठा लेता हूँ उसको सही फोकस कर लेता हूँ। तो ये रहा कवर, कवर की फ़ोटो खींच कर लेते हैं दोस्तों पहले अपन, तो एक क्लिक करी तो सिंगल फोटो आप अपन वाइड एंगल फोटो भी खींच के देखेंगे, तो उसका डुअल कैमरा काम करता है। ये सेटिंग्स आपको साइन में दिख रही है, एक और फोटो खींच लेता हूँ उसकी, तो साइड से अच्छी होती मैं इसे फोकस कर लिया मैंने फोन। तो सर जैसे फोटो देख लेते फोटो कैसे होगी इसकी, तो ये गैलरी तो सर देखते हैं फोटो, ये आप देख सकते हैं कोई फोन से वाइड एंगल की बात है, वाइड एंगल फोटो खींचते हैं जिसकी मेन हाईलाइट है दोस्तों। ये दोस्तों तो इसके वाइड एंगल खींचते हैं, तो ये आपको वाइड एंगल फ़ोटो एक फ़ोटो क्लिक कर ली मैंने। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अब आप बताइए आपको क्या फ़ोन का रिकमेंड करते हैं, आपको फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों फ़ोन लेना ही चाहिए। अब आप एस प्लस लीजिए वो कवरिंग मिल जाएगा, थोड़ी बड़ी साइज मिल जाएगी और अच्छे फीचर आपको सैमसंग का भरोसा मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, आपको देखना धन्यवाद। आप कोई भी सवाल होगा मैं कमेंट में कमेंट कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको डेली ऐसे नई वीडियो ला देता हूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, आपको देखने का धन्यवाद, और बोलिए भारत माता की जय।